का स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञान। सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहाँ पर गीदम बारसू रोड पर बड़ा हादसा हो गया है। कार सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। कार पलटने से यह हादसा हुआ है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। गणेश बाहर नाला के पास ये हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस रवाना हो गई है। देर रात एक्सीडेंट की यह घटना हुई थी। बारसू थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भीषण हादसा ये हुआ है और पांच लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। देर रात कार पलट गई थी जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों की शिनाख्त फिलहाल अभी नहीं हो पाई है। गणेश बाहर नाला के पास ये हादसा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अभी तक जिनकी मौत हुई उनकी शिनाख्त हो पाई है कि नहीं, और किस तरह की लापरवाही हुई जो इतना बड़ा हादसा हो गया? आपको आपको मैं बता दूं कि ये जो हादसा है ये बारसूर और गीदम रोड के बीच में नागफनी के पास ये हादसा हुआ है। देर रात का यह हादसा बताया जा रहा है। अर्टिका गाड़ी में सवार थे पांच लोग, जिसमें ड्राइवर सहित पांचों की मतलब घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और यह हादसा जहाँ पर हुआ है वहाँ पर एक अंधा मोड़ पड़ता है, इससे पहले भी वहाँ पर एक बार हादसा हो चुका है और उस हादसे में नौ लोगों की मौत हुई थी। इसी तरीके से यह हादसा दूसरी बार हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो सड़क बनी है बारसू से गीदम तक, इसमें बीच में कोई डाइवर्टर अंधा मोड़, जो दिशा सूचक होते हैं सड़क के, वो भी नहीं थे। ये भी एक हादसे की बड़ी वजह है। और इसमें जो लोगों की मौत हुई है, इसमें से दो लोग सीएफ के जवान बताए जा रहे हैं और एक इंजीनियर बताया जा रहा है, और उनके आधार कार्डों से इसकी शिनाख्त हुई है। बीजापुर के रहने वाले हैं, एक वहीं पास का चेरपाल गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। बाकी दो लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर बारसूर की पुलिस पहुंच करके सभी के शव को बरामद करके दंतेवाड़ा मर्चरी ले गई है, जहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के